अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है चने की दाल के कबाब। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उसमें मैंने 1 कप चने की दाल ली जिसे ओवरनाइट सोक कर लिया था, इसका पानी ड्रेन कर लिया है। 1 पोटैटो लिए जिसे बॉयल कर लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टी स्पून साबुत धनिया, 1/4 टी स्पून अजवाइन, 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टी स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 8 to 10 रेड होल चिलीज़ हैं, 1/4 टी स्पून खटाई पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 3 से 4 ये ग्रीन चिलीज़ हैं, 1 टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टी स्पून जिंजर पेस्ट और 1 मीडियम साइज प्याज भी है। हमें पानी भी चाहिए होगा। आए हम देखते हैं इसे बनाना कैसे है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं पैन में दाल को ऐड करूँगी, जो हमारे पास ये भीगी हुई दाल है इसे हम पैन में शामिल करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको ज़ीरा दिखाया था इसे मैंने कूट लिया है, जो धनिया साबुत धनिया था इसे भी मैंने कूट लिया है, अजवाइन इसको भी मैंने कूट लिया है, काली मिर्चें, नमक, ये जो साबुत लाल मिर्चें थी वो डालेंगे, खटाई पाउडर, ये जो आमचूर पाउडर होता है ये वो है, कुटी हुई लाल मिर्चें, ग्रीन चिली शामिल करेंगे, जिंजर पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट और ये जो प्याज हमारे पास है इसे भी शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसमें हम तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे कि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें दाल जो है वो गलने के बाद थोड़ी साबुत ही रहनी है। अगर बहुत ज़्यादा दाल गल जाएगी तो फिर कबाब जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। व्यूअर्स, मैंने इसे दाल गलने तक पका लिया है और ये दाल देखें हमारे पास ये साबुत दाने हैं, मैंने इसको मैश नहीं होने दिया है, इसी तरह से हमें बॉईल करना है। अब ये हम मैंने ठंडा कर लिया, इसे मैं चॉपर में डाल के पीस लूँगी। व्यूअर्स, मैंने दाल को पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ इस तरह की, ये देखें ये इस तरह के टेक्सचर में आ जाएगी और मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इस तमाम दाल को निकालने के बाद मेरे पास जो ये पोटैटो बॉयल है मैं इसको भी इसी में शामिल करके और इसे मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं इसके कबाब के जो पैटीज बनाते हैं वो बना के आपको दिखाती हूँ आगे क्या करें। व्यूअर्स, मैंने दाल को पीसने के बाद इसमें आलू जो हमारे पास मैश पोटैटो एक था उसे शामिल कर दिया। अब मैंने इसके कबाब बना लिए हैं, देखें मैंने 2 अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसमें मैं ये कबाब को डिप करूँगी और इसे हम फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट पे तेल को रखेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ना हो वरना ये फौरन जल जाएंगे। व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी और ब्राउन कलर होने पे हम इसे डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, जो चने की दाल के कबाब मैंने फ्राई किए थे वो अब बिल्कुल तैयार हैं। इससे मैं आपको बन कबाब बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें मैंने ये स्लाइस अनियन लिए है, प्याज, खीरे को मैंने स्लाइस कर लिया है, मेरे पास घी है जिसे हम बन को फ्राई करेंगे, टोमेटो की स्लाइसेस हैं, ये मेरे पास दही की ग्रीन चटनी है, इसको जो मैंने पुदीने और धनिए की आपने मेरी चटनी की रेसिपी देखी होगी उसको दही में मैंने शामिल करके ये इस तरह से बना लिया है, ये चाट मसाला जाएगा थोड़ा सा इसमें, और ये आमचूर पाउडर की खट्टी चटनी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बाद में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। आए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। व्यूअर्स, जो मेरे पास बन है इसको मैं तवे पे, ये मेरे पास इस तरह का तवा है, इसके ऊपर रख के मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल करूँगी और हम हल्का हल्का घी डाल के इस बन को पहले फ्राई कर लेंगे। चूल्हा जो है मैंने वो लो टू मीडियम हीट पे रखा है, अगर आपके पास इस तरह का तवा नहीं तो आप किसी भी फ्राई पैन में इसको बना सकते हैं।
व्यूअर्स, बन पे हम सबसे पहले ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी इसको लगाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास ये खट्टी चटनी है इसको भी थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें। प्याज डालेंगे, टमाटर का स्लाइस भी डालेंगे, जो हमारे पास कबाब है उसको थोड़ा सा फैला लेंगे। खीरा शामिल करेंगे इसमें, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चटनी ऊपर से भी डाल सकते हैं। मज़ेदार सा आपका बन कबाब रेडी है।